यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू के जिले की कमान संभाल लेने के बाद से ही उनके अलग अलग पहल से आम आदमियों को होने वाली परेशानियों से काफी निजात मिल रही है। जिले अधिकारी ने आज एक पहल कोर्ट को लेकर की है। उन्होंने जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक के सभी कोर्टों में गुरुवार के दिन शाम 5 बजे तक सुनवाई कराने की पहल की है। उनकी पहल पर कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। जिला अधिकारी ने बताया कि उन्होंने समाधान दिवस के तर्ज पर यह पहल की है। इसमें कोर्ट में लंबित पड़े मामलों में कमी आयोगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। ये देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया है ये कोर्ट समाधान दिवस करके। जैसे आप जान रहे हैं कि तहसील में और थाने में तो हमारे प्रक्रिया चल रही थी शासन द्वारा, जिसमें प्रयास होता है कि एक दिन बैठकर और एक बल्क में समस्याओं को निपटाया जाए। उसी प्रकार से हमारे कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि पेंडिंग रहते हैं, और उसमें ये कहीं ना कहीं आभास हो रहा था कि बहुत बार कई कारणों से वकीलों की हड़ताल भी हो जाती है, बहुत बार पीओ नहीं बैठ पाते हैं, अन्य प्रशासनिक कार्य रहते हैं, तो उससे जो आवश्यक फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं अनावश्यक डिले हो रही थी। तो प्रयास ये किया गया कि एक दिन ऐसा तय किया जाए कि जिस दिन सारे वकील भी मौजूद रहें, सारे प्रेसिडेंट ऑफिसर भी मौजूद रहें, और उसके बाद उन सारे पक्षों को सुनते हुए निस्तारण किया जाए। तो उसी दिशा में ये पहल की गई है और आज हम लोगों को शाम तक। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।